नमस्कार। वृष राशि की बात करेंगे। वृष राशि सृष्टि की सबसे महत्वपूर्ण राशि है क्योंकि चंद्रमा उच्च राशि में होता है इस राशि के ऊपर, और चंद्रमा ही मन है। चंद्रमा मन सो जाता है। इस संसार में हर व्यक्ति के मन को गवर्न करने वाला, ऑपरेट करने वाला, या हर मनुष्य के जीवन के कार्यों का जो रिमोट है वो मन है। और वृषभ राशि पर किन किन ग्रहों का क्या क्या इफेक्ट और कौन कौन सी महादशा कब कब होती है, बहुत संक्षेप में बताएंगे। पिछले 2 महीने से हम इस पर रिसर्च कर रहे थे, खोज कर रहे थे। आराम से आपको थाली में परोस कर जैसे भोजन दिया जाता है, समस्त महादशाओं का विवरण, किस किस को मिलेगा, कृत्तिका नक्षत्र 3 चरण, रोहिणी 4 चरण और मृगशीर नक्षत्र के 2 चरण, अर्थात वृषभ राशि के समस्त जातकों को, पूरे विश्व के लोग जो भी देश और विदेश में श्रवण कर रहे हैं, क्योंकि अमेरिका और कनाडा, इटली, ऑस्ट्रेलिया, जर्मन, जो हमारे भाई बहन इंग्लैंड में बैठे हैं उनके डिमांड पर, और भारत के जो कर्नाटक, गोवा और उड़ीसा, आसाम, मध्य प्रदेश, झारखंड ने अपने अनुरोध पर ये बात कही है, तो मैं चाहता हूं उनको तो लाभ होगा ही। उनके साथ साथ जो और अन्य भाई बहन हैं वो भी इस बात को गंभीरता से श्रवण करेंगे। आइए शुरू करते हैं कि वृषभ राशि का जो कृत्तिका नक्षत्र है उसका नक्षत्र कब शुरू होता है और कब समाप्त होता है, किस किस की दशा किस एज में आपको मिलेगी, और आज की डेट में आप अपने से उस दशा को जोड़िए, आपकी वर्तमान क्या पोजीशन है और कौन से जो गोचर में ग्रह चल रहे हैं उनका आपकी कुंडली के ग्रहों से क्या संबंध है, आपको आराम से समझ में आएगा। आइए शुरू करते हैं। कृत्तिका नक्षत्र वाले जो जब जन्म लेते हैं, वृषभ राशि होती है उनकी, तो 54 महीने 54 मंथ लगभग 4 ईयर एंड 6 मंथ 4.5 4.5 साल तक सूर्य की दशा रहती है। उसके बाद 20 वर्ष तक, उसके बाद 10 साल चंद्रमा और 7 साल मंगल, यानी कि कृत्तिका नक्षत्र वाले जब 21 साल की उम्र के हो जाते हैं उसके बाद उनकी राहु की महादशा आरंभ हो जाती है। 21 और 18 39 साल तक कृत्तिका नक्षत्र वाले राहु की दशा भुगत लेते हैं। ये समय सीमा, लास्ट समय सीमा बताई है हमने आपको वृषभ राशि की कृत्तिका नक्षत्र के लिए कि 39 साल की उम्र तक ये लास्ट पीरियड होता है, यानी कि इससे पहले पहले ही आप राहु की दशा समाप्त कर चुके होंगे। 39 और 16 55 तक आपकी बृहस्पति की दशा रहेगी। ये वृष राशि या वृषभ लग्न वाले होंगे तो अलग फल होगा। वृषभ राशि वालों के लिए बृहस्पति किस हाउस में बैठा है तो कौन सा फल देता है मैं आपको बताना चाहूंगा। राहु आपकी कुंडली में 8वां 12वां अच्छा फल नहीं देगा, लेकिन बृहस्पति आपके केंद्र में या भाग्य स्थान 5वां 9वां में होगा तो ज्यादा अच्छे फल इसके प्राप्त होंगे 55 साल की उम्र तक। असली आनंद इन कृत्तिका नक्षत्र वालों को शनि की महादशा में 55 से लेकर के 74 साल की उम्र तक अच्छा फल प्राप्त होगा। शनि कहीं भी बैठा हो, मृत्यु स्थान में बैठेगा तो उनकी आयु को 95 वर्ष से ज्यादा की उम्र भोगनी पड़ेगी, ऐसा भी ग्रह बताता है। बुध की महादशा इनके लिए वरदान सिद्ध होगी क्योंकि इनके धन, कुटुंब, वाणी और पंचम भाव का स्वामी ज्ञान, बुद्धि, विवेक और आपकी संतान की तरक्की भी इस दशा में होगी। ये मैंने आपको छोटा छोटा और मोटा मोटा बताया। अब रोहिणी नक्षत्र पर आते हैं, फिर हम आपसे लास्ट में बात करेंगे कि आज के समय में जो गोचर है वो आपको क्या हानि और क्या लाभ दे रहा है। रोहिणी नक्षत्र वालों का 17 वर्ष की आयु तक मंगल की महादशा समाप्त हो जाती है। इसके बाद मंगल शब्द नहीं आता आपकी लाइफ में, मंगल की दशा नहीं आती है। प्रत्यंतर सब पीरियड, मेजर पीरियड अलग बैटर है। अब 17 और 18 35
साल की उम्र तक रोहिणी नक्षत्र वालों की राहु की महादशा समाप्त हो जाती है। राहु की महादशा इनके लिए वरदान बन करके आती है। इनको स्टेबिलिटी, मान सम्मान, तरक्की, पैसा, प्रतिष्ठा सब कुछ देती है, बशर्ते कि आपका राहु अष्टम और द्वादश में ना हो। अष्टम द्वादश में भी स्टेबिलिटी तो देता ही है, कुछ परेशानियां देता है, लेकिन ओवरऑल 35 साल की उम्र तक आपका शुभ फल प्रदान करने वाला ग्रह रहता है। उसके बाद 35 और 51 की एज तक, 51 साल की उम्र तक आपके लिए बृहस्पति की दशा शुभ फल प्रदान करती है। कुछ बीच बीच में परेशानियां जरूर देगा बृहस्पति, लेकिन केंद्र स्थान में और भाग्य स्थान में आपके लिए निरंतर शुभ फल देता है। एक बात बहुत नई जो दुनिया का कोई भी आदमी आपको नहीं बताएगा, जब आपका नीच राशि में भी बृहस्पति होगा, वृषभ लगन वृष राशि के लिए, तो भाग्य स्थान में बृहस्पति नीच राशि में बैठकर भी अच्छा फल देता है। भले ही वो अष्टम भाव का स्वामी है, लेकिन लाभ भाव का स्वामी होकर जब भाग्य स्थान में बैठता है, क्योंकि वो कारक भाव है, वहां पर बृहस्पति को डबल एनर्जी मिलती है। लग्न पंचम और नवम भाव में ये बहुत ही बड़ा लाभ देता है। इसके बाद हम बात करेंगे शनि की। शनि इनके लिए भाग्य स्थान का स्वामी, केंद्र का स्वामी, राजा बनाने में सबसे बड़ा योगदान शनि का होता है। तो जो मैंने बताया 51 और 19 70 साल की उम्र तक राजा की तरह से ये जीवित रहते हैं, सम्मानित होते हैं। हड्डियों के रोग देता है अलग मैटर है, लेकिन शनि कहां बैठा है, उसका क्या प्रतिफल है, क्या परिणाम है, भले ही नीच राशि में बैठा हो 12वें भाव में, तो भी शुभ फल प्रदान करता है। और इसके बाद बुध की दशा भी इनके लिए शुभ फल प्रदान करती है। अब केतु की महादशा बहुत कम देखने को मिलती है वृष राशि वालों के लिए, खासतौर से उनके लिए जिनका रोहिणी नक्षत्र होगा। बहुत लोग, कोई एक भाग्यशाली आदमी होगा अगर केतु की दशा आती है, तो केतु मोक्ष का कारक है और वो इनको तीर्थ यात्राएं कराता है, और तीर्थ यात्रा करते करते ही उसी समय इनके लिए कई प्रकार के वैकुंठ में इनको शुभ फल प्राप्त होने वाले, ग्रह प्रदान करने वाले केतु होते हैं। आगे बढ़ते हैं। जो वृश्चिक नक्षत्र है और इनकी वृषभ राशि है, तो इनके लिए 25 साल की उम्र तक ये राहु की महादशा को समाप्त कर लेते हैं। अब आपका टाइम शुरू होता है अब, यानी कि 25 साल की उम्र से मृगशिर नक्षत्र वृषभ राशि वाले बृहस्पति की महादशा का उपभोग करते हैं। ये इनके लिए कुछ कंटकपूर्ण, कुछ कष्टकारक, स्ट्रगल वाली दशा रहती है, लेकिन ये अपने पैरों पर खड़े होकर के 25 से 41 साल की उम्र तक अपनी स्टेबिलिटी बना लेते हैं। डिपेंड करता है कि आपका बृहस्पति कितना बलाबल, कितनी डिग्री का है, रेट्रोग्रेड मोशन में है या स्वग्रही है, द्वादश में है या पंचम में, या छठे या आठवें या बारहवें। ये बृहस्पति की जो ताकत है वो बताती है कि 41 साल की उम्र तक आप कैसा अपना जीवन यापन करेंगे। कुल मिलाकर के बृहस्पति केंद्र में या पंचम नवम हो तो मनुष्य के जीवन के स्तर को बहुत कुछ सुधार देता है। लेकिन आप इतने भाग्यशाली हैं वृश्चिक नक्षत्र वाले कि आपको शनि की महादशा जो वरदान बनती है 41 साल की उम्र से और 60 साल की उम्र, यानी कि जब ये सरकारी नौकरी में होते हैं, जब रिटायर होते हैं, राजा की माफिक इनके गले में माला और बढ़िया बैंड बाजे के साथ, रेस्पेक्ट के साथ, क्लास वन अफसर जो होते हैं उनका रुतबा अलग ही देखने को मिलता है। क्योंकि जिनका दशम शनि होगा, शश योग बना होगा, या उच्च का शनि होगा कुंडली में छठे भाव में वृष लगन या वृषभ राशि का, उनका रुतबा पूरी लाइफ देखने को मिलेगा। कोई न्यायाधीश, कोई आईएएस अफसर, कोई टेक्नोक्रेट्स, कोई ब्यूरोक्रेट्स, और कोई सॉफ्टवेयर, कोई इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, तथा कोई एमबीए फाइनेंस, और या बड़ी बड़ी कंपनी के मैनेजर या डायरेक्टर होते हैं।
और उनका वो जो 19 साल का पीरियड है, 41 से 60 साल की उम्र का, ये गोल्डन पीरियड कहलाता है पूरी लाइफ का। आज की तारीख में देखिए, जो 60 साल तक वो अच्छा सुख भोग रहे हैं, उनको ये महसूस हो रहा होगा, ये कोई दुराव और छिपाव की बात नहीं है। अब बुध की महादशा 61 से और 77 की एज तक शुभ फल प्रदान करेगी। केतु की दशा इनके लिए अवश्य आएगी, वृक्षी नक्षत्र वालों के लिए, क्योंकि केतु इनको बहुत शुभ फल प्रदान करता है, लेकिन प्रोस्टेट की प्रॉब्लम, इन्फेक्शन की बीमारियां जरूर देता है। एक ट्यूमर, छोटी सी गांठ कहीं पैर में, हाथ में, डिपेंड करता है केतु कहां बैठा है। इस काल पुरुष के हिसाब से जहां जहां केतु की स्थिति होगी या उसकी दृष्टि होगी, उस हिसाब से छोटी सी गांठ का कोई ऑपरेशन होने की संभावना उस दौरान बनती है। अब आगे बढ़ते हैं, शुक्र की महादशा भी अगर आती है तो वो इनके लिए मार्केश या रोगेश बन करके इनको कष्ट देती है। तो ये तीनों नक्षत्रों को कंबाइंड करने के बाद महादशाओं का मैंने आपके समक्ष ये कहा। आज की तारीख में वृषभ राशि के लिए दशम भाव में जो गोचर में शनि है, ये वरदान बनाया हुआ। 11वें भाव में आपके राहु, ये जो काम ये न केने प्रकार आप अनाधिकार चेष्टा से भी अगर नहीं हो रहा है, तो कोई भी नीति रीति और प्रीति से जैसे भी आप काम बनाना जानते हैं, लेकिन जो स्टूडेंट है उनके लिए कुछ प्रॉब्लम, बाधा, एडमिशन या परफॉर्मेंस में प्रॉब्लम आ रही है। रीजन ये है कि आपका केतु अभी खराब है, पंचम भाव में बुद्धि को भ्रमित करता है, एकाग्रता नहीं बनती, कंसिस्टेंसी नहीं बनती है, गलत मित्रों की सहायता ना लें। लेकिन अभी जो एक हफ्ता 10 दिन है, ये बहुत अच्छे संकेत नहीं है, क्योंकि धनु पर 1 तारीख से 4 फरवरी तक कष्टकारक समय चल रहा है मंगल के कारण। मेरे पास बहुत लोगों के फोन और मैसेज भी आए हैं, भाई बहनों के, कि जो मंगल अष्टम चलता है वो कष्टकारक होता है। इससे पहले जो वृषभ राशि का जो वीडियो हमने डाला था, उसके परिणाम हमारे पास आ चुके हैं। कोई भी गलत दवाई नहीं खानी है, जल्दबाजी नहीं करनी, दांतों की पीड़ा, सिर में कोई रोग, इस टाइप की जल्दबाजी ना करें, और आप प्रतीक्षा करें 5 फरवरी को आपके भाग्य स्थान में जब मंगल आएगा, वो आपके बहुत सारे काम बनाएगा। और शनि आपके लिए वरदान बनाया हुआ है, आप राजा की माफिक शस योग बना करके शनि आपको वरदान दे रहा है और तरक्की देगा। इससे अधिक ज्यादा शुभ फल ये है कि आपके 30 अप्रैल 2024 को जब बृहस्पति वृषभ राशि में ही आएगा, तो नेचुरल है समस्त वृषभ राशि वालियों को, सभी भाई बहनों को, वृषभ राशि वाले सुख और राहत की सांस लेंगे, चैन लेंगे, आपकी तरक्की, मान सम्मान तथा आपकी संतान की तरक्की होगी। जिनके विवाह में कुछ बाधा आ रही थी, वो बाधा भी समाप्त हो जाएगी। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार।